सोया काफी ज्यादा गिरावट देखी गई थी जब इश्यू प्राइस घोषित हुआ था, उसके बाद हल्की रिकवरी आई, लेकिन आज देखिए 12% की गिरावट अभी भी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, करीब 103 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। कुणाल, क्विकली रिची सोया पे राय दीजिए, चार्ट स्ट्रक्चर कैसे लग रहे हैं आपको इस कंपनी के? तो पूजा, अगर ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो ये काउंटर मई 2021 से लेके अब तक एडमिन ऑलमोस्ट 11 महीने से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 750 और इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 1165 का। तो 750 का सपोर्ट और 1165 का रेजिस्टेंस, ये ध्यान में रख के हम अभी भी ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक आज भी आप देखिए गिर के रिकवर हो चुका है और 750 के ऊपर ही एज ऑफ नाउ कार्यरत है। तो आई थिंक ये एक रेंज कंटिन्यू हो सकती है, जब तक 750 नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें ज्यादा चिंता का विषय नहीं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये राय रुचि सोया में आपको दे दी गई।